जब जल हवा सूर्य से बिजली उत्पन्न होती है तो वो एक ऐसी बिजली उत्पन्न हो जाती है जिसके अंदर बिना प्रदूषण के बिजली घरों घरों तक पहुंचा दी जाती है। और इस लक्ष्य में हमारा देश और नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर सिक्स और आज बात करेंगे सर NHPC की। और इसकी बात करने से पहले एक गुड न्यूज़ आपको देनी है, जो अडानी ग्रुप का मसला सुप्रीम कोर्ट में 6 सदस्यों के पैनल के द्वारा चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी और अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी तेजी के संकेत आपको देखने को मिले और अब ये संकेत आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं। पर सेबी भी एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करेगा, वो जांच के दायरे भी बढ़ाएगा और उसको लगता है कि 13 जो विदेशी पोर्टफोलियो फंड हैं वो जांच के घेरे में आ सकते हैं अडानी ग्रुप में, उसे एक संदेह है, तो इसके लिए उसे थोड़ा सा और समय चाहिए। तो अब इसके अंदर देखना है कि 3 महीने का जो समय दिया है कोर्ट ने, उसके अंदर से भी अपनी एक जांच प्रस्तुत करेगा। पर उससे पहले जो क्लीन चिट जो अडानी ग्रुप के ऊपर दे दी गई है कि ऐसी चीज़ अडानी ग्रुप के तरफ से नहीं की गई है जो संदेह के घेरे में आ रही हो, बल्कि उन्होंने जो भी किया है रिटेल निवेशक को के लिए ही किया है, अच्छा किया है जो भी किया है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत शेयरों में देखने को आपको अडानी ग्रुप के मिले और आगे से तेजी के संकेत इनमें देखने को मिलेंगे। पर आपको समझना है कि सेबी भी इसके ऊपर एक जांच कर रहा है। अब बात करेंगे सर NHPC की। और एक इससे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब जल हवा सूर्य से बिजली उत्पन्न होती है तो वो एक ऐसी बिजली उत्पन्न हो जाती है जिसके अंदर बिना प्रदूषण के बिजली घरों घरों तक पहुंचा दी जाती है। और इस लक्ष्य में हमारा देश और दुनिया भी इस स्रोत से बिजली को उत्पन्न करने में ज़्यादा तेजी के तौर पर लग गया है। तो यानी कि से सौर से और जल से बिजली उत्पन्न करके जो कंपनी काम कर रही है उसके अंदर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। तो उसके अंदर आता है एक नाम NHPC का, मिनी रतन कंपनी NHPC को पता है कि NHPC जल विद्युत में काम पर लगी हुई है, इसके अलावा वो प्रबंधन, इसके अलावा निर्माण में अपना कारोबार करना या किसी को परामर्श या सेवाएं देना या फिर वो बिजली के कारोबार में भी लगी हुई है, तो ये एक अच्छा शेयर हमारे नज़रों में बन जाता है। जिस तरीके से ये अपनी परियोजना को इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी अपनी परियोजना की अभिलाषा बनाती जा रही है, तो ये एक अच्छा शेयर हमें अपने पोर्टफोलियो में सजाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और जिसके प्रमोटर इतने ज़्यादा इस कंपनी में हैं, 70.95% इसके अंदर सर प्रमोटर भी बैठे हुए हैं, यानी कि कंपनी एक लाजवाब गवर्नमेंट कंपनी है जो जल विद्युत में अच्छा अच्छा काम करती रहती है। इसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलता ही रहता है और इसकी कंपनी के द्वारा जो कहा जाता है कि अपनी क्षमता को ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। 31 जनवरी 2023 के आंकड़ों के अनुसार NHPC की कुल संस्थापित क्षमता जो है 7097.20 मेगावाट की है, जिसके अंदर 22 जल विद्युत स्टेशनों से करीब 6971.20 मेगावाट उत्पन्न करती है और सौर से ये करीब 76 मेगावाट करती है, सौर यानी कि सौर ऊर्जा से, और पवन ऊर्जा से ये करीब 50 मेगावाट की ये अपनी बिजली उत्पन्न करती है, यानी कि इसकी टोटल 7097.20 मेगावाट की 31 जनवरी 2023 के आंकड़े थे। और संयुक्त रूप से भी ये बिजली जो उत्पन्न करती है वो करीब 1546 मेगावाट की करती है, यानी कि बिजली की क्षमता को ये अपनी तेजी के साथ बढ़ाती हुई जा रही है। अब एक न्यूज़ निकल कर जो आई है सर, वो आई है गुजरात से। तो गुजरात विकास निगम ने NHPC को 200 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए एक हस्ताक्षर किए हैं, जो इस परियोजना की वैल्यू होगी वो करीब 1,007.60 करोड़ रुपए की होगी, यानी कि जल विद्युत के साथ साथ ये सौर के क्षेत्र में भी अपनी अभिलाषा को बढ़ा रहा है और गुजरात से एक इसे अच्छा सा एक ऑर्डर मिल गया है। यानी कि आपको ये देखना है कि जो कंपनी जल विद्युत में अच्छा काम कर रही है, फिर सौर के क्षेत्र में, फिर पवन के क्षेत्र में और बिजली के कारोबार और सेवाएँ
और परामर्श के क्षेत्र में अच्छा काम करती जा रही है, तो आने वाली दिशा इस कंपनी के अंदर हमें लंबी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से हर एक व्यक्ति ये चाह रहा है कि उसे एक अच्छा सा अच्छा शेयर मिल जाए, चाहे वो पवन के क्षेत्र में हो, सौर के क्षेत्र में हो, या फिर वो आपका जल के क्षेत्र में हो, सारे के सारे ग्रीन ऊर्जा से प्रदर्शित ये शेयर होते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर जिस शेयर की मनोकामना उसके काम के प्रति जगाई जाती है वो होता है सर उसको ऑर्डर मिलना और उसके अंदर कितनी क्षमता है। तो इस अनुसार आपको इस कंपनी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे बहुत बढ़िया ऑर्डर एक सौर परियोजना के तौर पर गुजरात से मिल गया है, तो इसके ऊपर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज BCG और आपको आज उसके अंदर अडानी ग्रुप, अडानी पावर की वीडियो, और आपको उसके अंदर आज सुजलोन एनर्जी की एक वीडियो देखने को मिलेगी जो एक साइकोलॉजी पे आधारित वीडियो है। उस वीडियो को आज आपको समझना पड़ेगा जो आएगा सार्थक बाजार से में आज 8:08 पर। तो उस चैनल पे भी आपको आकर दर्शन देने हैं। और जिसको भी जो भी कमेंट है ना सर, इस पे ना करिए, बल्कि आप मेरे उस चैनल पर करिए, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ। ये मेरा एक बैकअप चैनल है जो फ्यूचर के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है सर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से NHPC में गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है और जिस तरीके से ये जल पर काम करती है, तो ये लंबे समय का हमारा एक विषय NHPC में बन सकता है। और अडानी ग्रुप को जो कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट मिली है उसके अंदर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी आना संभव है और वो तेजी आज आपको ही देखने को मिली, और बाजार में भी इसी वजह से रौनक भी आपको देखने को मिल गई है। तो हर एक परिस्थितियों को अपने द्वारा जांच लीजिए, पहले कंपनी का काम, उसे ऑर्डर कहां से मिल रहा है और किस क्षेत्र पर कंपनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करती है जो जल के साथ पवन और सौर पर भी ये काम कर रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेस्ट शेयर हो सकता है जो भविष्य के लिए हमें एक अपने पोर्टफोलियो में सजाना चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।